हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ किचन टिप्स। ये किचन टिप्स आपके घर के काम को और भी अधिक आसान बना देंगे। इन्हें अपनाने से आपका समय भी बचेगा और आप भी कहेंगे काश मुझे ये पहले पता होता। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे आज के ये किचन टिप्स पसंद आएंगे। पसंद आने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योत्सना, कुक विद ज्योत्सना में आपका स्वागत है। रेसिपी देखने के बाद प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि चावल उबालने के बाद उनके चावल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे बने रहते हैं, लेकिन अगर आप चावल को उबालते वक्त ये आधा नींबू इसमें डाल देंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जब आप इन्हें गैस से उतार के पानी निकालेंगे तो ये बहुत ही खिले खिले बनेंगे। आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। चलिए टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और बहुत से लोगों का कहना है कि उनका बॉर्नविटा जम भी जाता है। ये नेचुरल भी है क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से वह जम जाता है। तो इसे बचने का एक ही तरीका है कि आप जब भी बॉर्नविटा को यूज़ करें तो उसे किचन में ना रखें बल्कि उसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में जहाँ आप अपनी वाटर बॉटल रखती हैं वहीं उसे रखिए और इसका अच्छे से भी ढक्कन लगा दीजिए। यह बिल्कुल भी नहीं जमेगा और वैसे ही रहेगा जैसे आप दुकान से लाए थे। चलिए टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब वो केक को पलटते हैं तो उनका केक टूट जाता है। उसका कारण यह भी है कि केक बहुत गर्म होता है और हमें बहुत जल्दी भी होती है केक को निकालने की। इसके लिए आपका केक को कम से कम आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रखें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका ये फॉइल पेपर निकल जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। तो इसलिए हमेशा केक को ठंडा होने का वेट करें, जल्दबाजी ना करें। चलिए टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चाय पीना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर चाय में खुशबू ज़्यादा आए तो कहना ही क्या। अगर आप चाय को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि आप थोड़े से इलायची और तुलसी के पत्ते ले लीजिए। ये देखिए इसे इस तरह से आप चाय पत्ती के डिब्बे में ही डाल दीजिए। इलायची के भी आप दानों को निकाल दीजिए और उसके छिलके समेत आप इसी में डाल दीजिए। चाय की पत्ती जितनी भी खुशबू है तुलसी के पत्तों की और इलायची की सारी ऑब्जर्व कर लेगी और जब भी आप चाय बनाएंगे तो तुलसी के पत्तों की और इलायची की खुशबू चाय के अंदर बहुत ही अच्छी आएगी। आप टेस्ट आजमा के ज़रूर देखेगा। चाय का स्वाद सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इससे हमारे समय की बचत भी होती है। चलिए टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कई बार हमारे सूखे चावलों में लाल चींटियाँ हो जाती हैं और जब गर्मियों के मौसम में तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी ही पड़ती है। इसे बचने का बहुत आसान तरीका है, आप सरसों का तेल लीजिए। थोड़ा सा ये आप सरसों का तेल अपने कच्चे चावलों में डाल दीजिए, इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सरसों का तेल कड़वा होता है और इससे सारी लाल चींटियाँ मर जाती हैं। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। उसके बाद आपको जब भी चावल को इस्तेमाल करना हो आपने चावल निकालिए और अच्छे से पानी से धो लीजिए और आप इन्हें बनाइए। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे सारी लाल चींटियाँ मर भी जाएंगी और इसके अलावा अगर कोई इंसेक्ट भी है वो भी इससे सारे मर जाएंगे। चलिए टिप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सूखे हुए नारियल का यूज़ हम ज़्यादातर खीर में, हलवे में या सेवइयों में करते हैं और जब भी हमें ये सब बनाना होता है तब हम कद्दूकस लेके इसे ग्रेटेड करने लगते हैं। लेकिन अगर आप समय को बचाना चाहते हैं तो आप पहले से ही इसे ग्रेटेड करके रख लीजिए। सूखा हुआ नारियल कभी भी ख़राब नहीं होता। आप इसे ग्रेटेड कीजिए और एक बिग कंटेनर में रख लीजिए। आप चाहे तो फ्रिज में या किचन में किसी में भी आराम से रख सकते हैं और जब भी आपको कोई स्वीट बनानी हो या हलवा बनाना हो तो आप आसानी से इसे डिब्बे से निकालिए और अपने हलवे में या मिठाइयों में किसी में भी डाल सकते हैं। इससे हमारी समय की बचत भी होगी और हमारा खाना भी जल्दी बन जाएगा। चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं। गैस पर केक बनाने के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं, चाहे केक हम कढ़ाई में बनाएं या कुकर में बनाएं। केक के बन जाने के बाद हमें इस नमक को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जब केक बन जाए और कढ़ाई ठंडी हो जाए तब इस नमक को हम निकाल लेंगे और इस तरीके से किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। इस नमक का यूज़ आप दोबारा कर सकते हैं। जब भी आप केक बनाएं तब दोबारा से इसका यूज़ कीजिए। केक बनाने के लिए आपको फिर से नया नमक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी पुराने वाले नमक को आप एयर टाइट कंटेनर में रखें और उसे यूज़ करें। चलिए अगली टिप की तरफ चलते हैं। कई बार हमें सैंडविच बनानी होती है और हमें ब्रेड की साइड भी काटनी होती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि चाकू की धार हमारी तेज़ नहीं होती और उसकी साइड भी ठीक से नहीं निकल पाती। तो इसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका यह है कि आप गैस का बर्नर खोलिए और इस तरीके से आप कोई भी चाकू ले लीजिए जिसकी धार अब तेज़ ना हो। हल्का से इसे गर्म करना है। ये देखिए हल्का सा आप इसे गर्म करेंगे और अब इसको हम ब्रेड की तरफ लेकर आएंगे और ये देखिए कितनी आसानी से ब्रेड की साइड्स कट जाएगी। ये देखिए
चाकू ये स्टील का है और इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, लेकिन हल्का सा गर्म कर दिया मैंने और ये देखिए इसकी साइड कितनी आसानी से निकल गई है। आप इजीली सैंडविच बना सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी आज की जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं वो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कुक विद ज्योत्सना में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।